नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पीएम कैश फंड की एक नई योजना आई है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड-19 के कारण खो दिया है। तो उसी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कैश फंड के तहत पीएम कैश फॉर चिल्ड्रन एक योजना निकाली है, जिनके द्वारा उन बच्चों के स्वास्थ्य बीमा, उन बच्चों की शिक्षा और उन बच्चों के भविष्य के बारे में है वो केंद्र सरकार पीएम कैश फंड के द्वारा मदद करेगी। अब मित्रों हम चर्चा करते हैं इस योजना के बारे में। केंद्र सरकार कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभों की घोषणा की है। इस योजना के द्वारा ऐसे बच्चों को लाभ पहुंचाया जाएगा जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु है वो कोविड-19 से हुई है, या पहले से उनके माता पिता में से एक ही थे और उनकी मृत्यु भी कोविड-19 से हुई है। मित्रों इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार बताना चाहती है कि हम उन बच्चों के साथ भी खड़े हैं जिनके माता पिता की मृत्यु है वो कोविड-19 के कारण से हुई है, और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभों की उन्होंने घोषणा की है। इस योजना के दायरे में जो आने वाले बच्चे हैं वो इस प्रकार से हैं कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु अगर कोविड-19 से, कोरोना से हुई है, या फिर उन माता पिता में से दोनों में से पहले से एक ही थे और उन एक की मृत्यु भी कोविड-19 से हुई है, तो ऐसे बच्चे भी इस योजना के दायरे में आते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में RTE के तहत प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जिनके माता पिता की कोविड-19 से डेथ हो गई है, ऐसे बच्चों को नज़दीक के केंद्रीय विद्यालय या किसी निजी विद्यालय में RTE के तहत फ्री निःशुल्क एडमिशन है वो दिया जाएगा, और पीएम केयर्स फंड के द्वारा ऐसे बच्चों की जो ड्रेस, जो कपड़े हैं, पाठ्य पुस्तक और नोटबुक्स पर होने वाला खर्च का भुगतान भी पीएम केयर्स फंड करेगा। ऐसे बच्चों के लिए जो फ्री शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है वो पीएम केयर्स फंड के द्वारा की जाएगी। उन बच्चों को पहनने के लिए कपड़े, पाठ्य पुस्तक हो या नोटबुक्स हो, उन पर होने वाले खर्च का भुगतान भी पीएम केयर्स फंड करेगा, और उन बच्चों को नज़दीक के किसी केंद्रीय विद्यालय या निजी विद्यालय में प्रवेश भी निःशुल्क है वो दिया जाएगा। 11 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा, और जब वो बच्चे हैं या 11 से 18 वर्ष के बीच आने वाले बच्चों को केंद्र सरकार का जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जहां पर रहने की भी सुविधा होती है, जैसे सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, वहां पर भी उन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत के तहत 18 वर्ष की आयु तक 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान है वो पीएम केयर्स फंड के द्वारा किया जाएगा। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना चलती है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें एक वर्ष में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है वो केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। तो ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक है वो 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा, और उसके जो भी प्रीमियम का भुगतान है वो पीएम केयर्स फंड के द्वारा किया जाएगा। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक वित्तीय सहायता और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर पीएम केयर से 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ऐसे बच्चे जब अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो उनको स्कॉलरशिप के रूप में हर महीने कुछ मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी, और ऐसे बच्चे जब अपनी 23 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो पीएम केयर्स फंड की ओर से उन्हें 10 लाख रुपए की राशि है वो मिलेगी। बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिलाने में मदद की जाएगी, और जिसके ब्याज का भुगतान भी पीएम केयर्स फंड के द्वारा किया जाएगा। अब जब वो बच्चे उच्च शिक्षा लेने जाएंगे तो उनको जो एजुकेशन लोन है वो दिलाने में भी केंद्र सरकार मदद करेगी, और उस लोन के ऊपर जो भी ब्याज होगा उस ब्याज का भुगतान भी पीएम केयर्स फंड के द्वारा किया जाएगा। तो मित्रों मोदी सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड-19 से खोया है। अगर आपके नज़दीक में भी अगर कोई ऐसे बच्चे रहते हैं तो आप उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि पीएम केयर्स फंड की जो योजना है इस योजना का अगर लाभ वास्तविक बच्चों को मिले तभी ये योजना है वो आगे जाके साकार होगी। अभी तक भारत में 500 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन है वो इस प्रोसेस के द्वारा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।